पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज, मैं वर्तिका सक्सेना। मध्य प्रदेश की एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो नर्मदा नदी के बीच से धार में पैदल चलती जाती है। नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि वह ना तो पानी में डूबती है और ना ही भीगती है। लोग यह भी कहते हैं कि वह जिसे आशीर्वाद दे देती है उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। अब यह चमत्कार है या कुछ और, आइए देखते हैं इस आश्चर्यजनक महिला को। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के पोसाहार पिपरिया तहसील के ग्राम कल्लू खापा की ज्योति रघुवंशी नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए निकली हैं, जिनके दर्शन करने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वैसे तो नर्मदा नदी की परिक्रमा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला की परिक्रमा आश्चर्य से भर देने वाली है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ज्योति नर्मदा नदी के बीच में तेज धार में चल रही हैं। ये करिश्मा है या दैवी शक्ति या चमत्कार या कुछ और, ज्योति बताती हैं कि वे नर्मदा से प्रार्थना करती हैं और लोगों को जो भी पान पत्ता देती हैं उससे उनकी बीमारी दूर हो जाती है। आपको बता दें, नर्मदा नदी के बीचों बीच में तेज धार में चलने वाली ज्योति को देखने के लिए नदी के किनारे किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है और घाटों पर पहले से ही लोग उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। पुलिस ने उनके नदी के बीच में चलने पर एतराज़ किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। ज्योति कहती हैं कि जहां भी शाम होती है वहां पर किसी आश्रम में ठहर जाती हूं। अत्यंत साधारण वेशभूषा, सफ़ेद बाल वाली यह महिला किसी से भी कुछ लेती नहीं है, लेकिन उनके दर्शनों के लिए हजारों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का बताना है कि ज्योति रघुवंशी के पास कई बार मगरमच्छ भी आए, लेकिन वो वापस लौट गए। ये आस्था का विषय है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, यह तो वक्त ही बताएगा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।